हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। मिस सुमन सामंता ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार फिर से वो पूछ रही हैं कि उनको वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है तो कोई फिक्स प्राइस में होगा ये, या कोई कमीशन एजेंट के थ्रू करना सही रहेगा, और इसमें क्या क्या रिस्क हैं। देखिए मिस्टर सुमन, अगर आपको कोई कहता है फिक्स प्राइस में ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया गया है। मुझे नहीं पता आपको कौन सा एजेंट बोल रहा है कि आपको एक फिक्स प्राइस देंगे, आप उसी में ही एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए वेजिटेबल है, रेट फ्लक्चुएट होता ही होता है, तो ऐसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी भी किसी भी डील में ना जाएं। कौन इंसान कौन सा जाल बिछा के बैठा है ये मैं नहीं जानता। सबसे पहले अपने आप को देखिए, आपको कोई भी ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा सजेशन है आपको। प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि आपसे बोलेंगे भैया एक साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो और एक साल हमें पर्टिकुलर इसी प्राइस में आपको प्रोडक्ट देना है। देखिए मैं अगर एक अनियन का एग्जांपल दूं अपने ही यहां पे इंडिया के अंदर, तो आपने देखा होगा पीछे अभी कुछ महीनों पहले अनियन लगभग 60 रुपए किलो तक पहुंच गया था, तो प्राइस फ्लक्चुएट हुआ ना। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा। आप कहीं से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कभी सूखा पड़ सकता है, कभी कुछ पड़ सकता है, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज हो सकती है, तो बहुत चीजें वैरी करती हैं इस पे। रही बात किसी कमीशन एजेंट की, तो देखिए कमीशन एजेंट का सिलेक्शन करने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड देखना है, वो कितने सालों से काम कर रहा है, क्या उसकी क्रेडिटिबिलिटी है, ऑथेंटिक है या नहीं है, और वो कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है। पता लगे वो आप वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है आपका मार्जिन ही उसी में निकल जाए, आपके प्रॉफिट ही उसमें निकल जाए। एक लिमिटेड दायरे में कमीशन होती है। अब ऐसा तो नहीं वो आपसे भी कमीशन चार्ज कर रहा है और पता लगे वहां से भी कमीशन चार्ज कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए एक प्रॉपर्टी डीलर है, जब वो मकान सेल परचेज करते हैं तो सेलर से भी कमीशन चार्ज करते हैं और बायर से भी चार्ज करते हैं, तो क्या कमीशन काट के आपको आपका प्रॉफिट अच्छा बच रहा है, यानी अच्छा बचना चाहिए। ऐसा तो नहीं समाज सेवा चल रही, पता लगे आपने कमीशन भी दे दी और आपको कुछ नहीं बचा। और अगर वो कमीशन एजेंट बीच में है तो कहीं कोई रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो रिस्क किसका होगा। बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया जो रिस्क नहीं लेते, भैया हमने बायर सेलर की डील करा दी, हमें कमीशन दे दो, अब जो रिस्क है कर पाए नहीं कर पाए, पैकेजिंग वगैरह या जो भी ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क है, ये हमारा कुछ नहीं है, पेमेंट का भी रिस्क हमारा कुछ नहीं है, हमने तो बायर से आपको मिला दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो एजेंट का मतलब ये होता है कि भैया पेमेंट की जिम्मेदारी लोगे आप, पेमेंट में नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। भले ही एज अ कमीशन एजेंट आप मेरे पास आके जो बायर ने डिमांड की है उसको चेक कर लो, सारी चीज़ें देख लो, पैकेजिंग देख लो और डेट ऑफ डिलीवरी देख लो, कितना टाइम लगेगा, ये भी एजेंट की जिम्मेदारी होती है। आप जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो एजेंट की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि उसने बायर और सेलर की मीटिंग करा दी, उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो पेपर चेक करे, बायर चेक करे, भैया आप पेमेंट कर रहे हो, साफ सुथरी है, वो पेपर पे जो मकान है वो किसके नाम है, वो पार्टी सामने है या नहीं है, पता लगे खुद ही सामने बैठा है और बायर आपके सामने है ही नहीं। तो बायर से भी आपको फेस टू फेस डील करनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में #AskExportExperts टाइप करें और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको हमेशा जवाब देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।